हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय ललन कुमार। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी प्रेजेंट हो जाइए। आपका चैप्टर नंबर 12 मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने आज एक टेस्ट दिया था, टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट था आपका। जो बच्चों ने टेस्ट दिया उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। टेस्ट लेते समय भी मैंने लाइव किया था, क्लास को दिखाया था, बच्चों ने क्या अनुभव बताया। लेकिन हमारे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे किसी न किसी कारणवश वो आस्कत कर दिए हैं। तो प्यारे बच्चे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो आस्कत आपको आने वाले दिन में पछताने के लिए मजबूर कर देगा। ये टेस्ट यदि लिया जा रहा है तो उस टेस्ट में अपीयर होइए। में अपीयर होने का मीनिंग होता है आपके अंदर एक दबाव बनेगा और वो दबाव आपको वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप टेस्ट भागते हैं तो निश्चित रूपेण आपका दबाव हट जाएगा, और दबाव हटा लेंगे तो अभी आपकी तैयारी संभव नहीं है। क्योंकि आप देखते जाइए ना, दिन गिनते जाइए, पता नहीं चलेगा 2 फरवरी आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो भी जाएगा। तो वह दबाव आपको एक भी क्षण घटना नहीं चाहिए, और वही दबाव बनाने का मैंने प्रयास किया है। लेकिन यदि आप इग्नोर करते हैं तो वह दबाव घट जाएगा, और दबाव घटने के बाद परिणाम बुरा होगा। इसलिए दबाव को हटने मत दीजिए, टेस्ट में अपीयर होइए ईमानदारी से। मैंने दावा किया है कि जैसे जैसे मैं कहते जा रहा हूँ आप उसको करते चले जाइए, करने में थोड़ा सा भी आलस नहीं दिखाइए। निश्चित रूपेण मैं आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। और यदि आप फील्ड छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया। तो आप डर जाएंगे तो मर जाएंगे। तो चलिए, ये कुछ बातें था जो आपके लिए प्रेरणादायक बात था। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? देखते हैं, चैट करके जल्दी बताइए आप लोग। यस सर, आपकी सभी उक्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जिन बच्चों ने टेस्ट दिया उनको अनुभव हो गया होगा। कुछ बच्चे हमको पूछ रहे हैं, टेस्ट वाला सर सॉल्यूशन कराइए ना। भाई, आप टेस्ट दिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, जब रिजल्ट मिलेगा तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लॉन्ग और शॉर्ट का तो सॉल्यूशन अब डिपेंड करता है सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव्स, उस ऑब्जेक्टिव में मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 22 ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा अलग था, और बाकी ऑब्जेक्टिव आपको जो करवा चुका हूँ क्लास में एकदम सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिया था। कुछ ऑब्जेक्टिव मिलता जुलता दिया था, जिससे कि फीलिंग्स हो कि यदि एक क्वेश्चन मैंने ये सोचा उसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या मैं सोच सकता हूँ या नहीं, उसको जज करने के लिए, बच्चों को अपने आप को पहचानने के लिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा सजेशन से हट के कुछ क्वेश्चन रखा था। तो चलिए, अब वो क्यों बन जाएगा और कैसे बन जाएगा आपसे, जब मैं क्वेश्चन पूछ के आपको सॉल्व कराता हूँ बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव में, तो आगे पीछे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बोलते हैं। वो बोलने का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उस वहाँ तक आप काम कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है। डायरेक्ट एबीसीडी नहीं बोल देते हैं, तो एबीसीडी डायरेक्ट नहीं बोलने का मतलब क्या है, उसके जैसा दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो वहाँ भी मेरा दिमाग पहुँचे, वहाँ भी जवाब देने के लायक हम तैयार रहें। तो चलिए, अब स्टार्ट कर देते हैं। ये सब था आपका एक प्रेरणा, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए स्पीच चाहिए तो चाहिए। तो चलिए, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है और आप तैयार हो जाइए अटैक करने के लिए। प्रत्येक दिन की भांति आज भी आपका उसी स्टाइल में टेस्ट हो रहा है। आप क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर देते जाइए,
एकदम जो भी जो दोस्त भी जुड़े हैं, जिनके दोस्त नहीं जुड़ पाए हैं, और यदि आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो उसको प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए और उसको बुलाइए और कहिए क्लास में प्रेजेंट हो जाओ, टेस्ट स्टार्ट हो गई है। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया है। तो आप लोगों ने अनुभव किया, पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड साहब ने, जिसके द्वारा परमाणु संरचना का व्याख्या किया था, हालांकि उनमें बहुत कमी रह गया था, कुछ कमी को बोर साहब ने पूरा किया था, फिर भी बोर साहब में भी कुछ कमी रह गया। तो साइंस में जितनी भी बातें होती जाती है, कुछ ना कुछ डिमेरिट बाद में कोई दूसरा साइंटिस्ट निकाल ही देते हैं। तो चलिए अभी तक जितनी बातें पढ़े हैं, तो यहाँ अल्फा स्कैटरिंग था, आपको याद होगा रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको अल्फा स्कैटरिंग बोलते थे, याद होगा आपको। तो यहाँ पर जवाब आपका क्या होगा, डी नंबर जवाब आपका होगा। चलिए इसको ध्यान से जवाब दीजिए जल्दी से। परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, विवर्तन नहीं होगा, अल्फा स्कैटरिंग, एक्सपेरिमेंट का नाम ही था अल्फा स्कैटरिंग, तो उसको याद रखिएगा। चलिए जल्दी से, क्या दिमाग काम कर गया आपका? चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन चेंज करता हूँ मैं फटाफट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा हूँ, जल्दी काम खत्म हो जाएगा आपका। मात्र 20 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन वो 20 क्वेश्चन आपके लिए मज़ेदार है, वो 20 क्वेश्चन आपको बहुत चीज़ सिखाएगा। चलिए रेडी हो जाइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका, जल्दी से जवाब दीजिएगा। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहते हैं? अब वो कौन सा बल है आप खुद बता दीजिए, जल्दी बताइए। ये इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों का सही होना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चों का सही होना चाहिए, जल्दी जवाब दीजिए। नंबर 2 का नाभिकीय बल तो प्रोटॉन को बांध के रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल तो वहां बहुत कमजोर होता है, उसका महत्व बहुत कम है, नगण्य है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कूलम्स लॉ, याद करिएगा जल्दी से, याद कर दिला देता हूँ। प्रोटॉन पे प्लस में है और ऑर्बिट में आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस के बीच जो फोर्स लगते हैं उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद होगा, याद आ गया होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसी को हम लोग कूलम फोर्स भी कह रहे हैं, क्या एकदम याद आ गया? जल्दी यस करके बताइए, तो जल्दी यस करके बताइए, याद आ गया? यस, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ फटाक से, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, तेजी से, ये सब क्वेश्चन है कि एक बार देख लिए तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग है ना, परिकीर्णन लिखा हुआ देखिए, तो प्रयोग का नाम ही था अल्फा स्कैटरिंग, तो लेकिन इसका अस्तित्व सिद्ध करता है। किसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है? तो नाभिक का धन आवेशित होता है, इसी के बारे में बताता है, क्योंकि उसमें बताया था अल्फा रेज जो निकलता है वहां से वो कुछ सीधा पार कर जाता था, कुछ कोण से मुड़ता था, नाभिक के नजदीक में जो था वो बहुत बड़े कोण से मुड़ जाता था, और उस नाभिक के सीध में जो था वो एकदम 180 से मुड़ जाता था। तो चलिए यहाँ पर हो गया आंसर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अभी तुरंत बोल चुके हैं आंसर, अभी तुरंत दे चुके हैं, जल्दी दीजिए तो आंसर 4 का आंसर दीजिए जल्दी से।
रेडी हैं, जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। सूर्यवंशी रोशन 4 ए आपने जवाब दिया। सीधे चले जाते हैं नाभिक के निकटतम, अभी तुरंत बताएं, नाभिक से जो दूर होगा वो सीधा पार कर जाएगा, थोड़ा नज़दीक जो आएगा कुछ छोटे कौन से मुड़ेगा, और एकदम नज़दीक से जो जाएगा तो बहुत बड़े कौन से मुड़ेगा। तो बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं नाभिक के निकटतम, नाभिक के निकट जो कण आएंगे वो बहुत अधिक कौन से मुड़ेंगे, ये वाला जवाब सही होगा 4C। रेडी, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आएगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जवाब देने वाला है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन आएगा, उसको देखेंगे हम लोग। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश, टोटल मास और टोटल चार्ज, परमाणु के जिस केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है उसकी रेडियस कितनी होती है, रेडियस किस कोटि का होता है। तो आपका बोला था, बताया गया था फर्मी, याद आ गया होगा 1.2 फर्मी याद है, तो ये हो जाएगा आपका नंबर सी, यहाँ पर आपका जवाब होना चाहिए। चलिए आपका 100% जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं बाबू लोग, सोनी कुमारी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं आप, रॉक स्टार क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, खाली आंसर लिख देता है ABC। आशिक कुश क्वेश्चन नंबर देखिए आंसर लिखिए। श्वेता राज बहुत अच्छा सही जवाब है तुम्हारा। असिका परवीन सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, जल्दी देखिए। किस वैज्ञानिक के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, क्वांटम सिद्धांत को किसने बताया था, तो लगता है कि जवाब आपका सही आ गया। सबसे पहले जवाब आया है पीसफुल माइंड, जो भी है वो उनका सबसे पहले आया है और सही आया। श्वेता राज सही जवाब है, अखिलेश कुमार गलत हो गया। सुशांत कुमार गलत हो गया, जितेंद्र गलत हो गया, शिवराम गलत हो गया, शुभम कुमार हाँ तुम्हारा भी नाम ले लिया हम, सही है। प्लांक, मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दिया था, ये सब गलती नहीं होना चाहिए, ये यदि गलती जिस बच्चे से हो जा रहा है मतलब थोड़ा आलसी है इसका मतलब निश्चित, ये गलती नहीं होने का, किसी से गलती नहीं होना चाहिए सब क्वेश्चन, चूँकि सबको कई बार आपने हमने सुन लिया मिलजुल के। चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं, हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है, इसका इलेक्ट्रॉन होता है 9वीं में स्थिर कांस्टेंट ऊर्जा के सबसे निचले स्तर में परमाणु के बाहर, ग्राउंड स्टेट अवस्था, मूल अवस्था हो गया ग्राउंड स्टेट है ना, बेसिक स्टेट नहीं, यहाँ पर यह गलत है, ग्राउंड स्टेट लिखना चाहिए, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ऊर्जा का सबसे निचले स्तर वाले लोएस्ट एनर्जी लेवल में जब होगा, यही आंसर होगा सी नंबर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग,
हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तर का अंतर, डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम, घटता जाता है जैसे जैसे बढ़ता है, घटता जाता है जैसे जैसे घटता है, तो इसमें से देखते जाएंगे हम लोग। ऊर्जा स्तर का अंतर जो है वो घटता जाता है, कब, जब परमाणु का साइज बढ़ता जाता है, कक्षा बढ़ते जाता है, यही सही बात है। ए नंबर इसका सही जवाब होगा, 8 नंबर का। आइए अब यहाँ कैलकुलेशन वाला गप आ गया है आपके सामने, समझने लायक बात है, थोड़ा एनर्जेटिक बात है। 8 नंबर 9 नंबर में जाओ, देखिए आप लोग क्या दे सकते हैं, दीजिए तो जल्दी से। नाइन नंबर का शुभम कुमार ने आंसर दिया ए, ए आंसर दिया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर का एकदम लॉजिक के साथ जवाब देना है आपको। कुछ लोगों ने बी भी जवाब दिया है, और जिन जिन बच्चों ने बी जवाब दिया है उनका सही लगता है। सताराज सही है, रजनीश रवि सही, गलत है, सी दिया जवाब, पीसफुल माइंड्स भी दिया है, जितेंद्र का ये है गलत है। आइए प्यारे बच्चों, हमारा आंसर सही है बी, इसको थोड़ा समझते हैं कैसे हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। रेडी तैयार हैं आप लोग समझने के लिए? आपको बताना चाहता हूँ मैं, इसको समझेंगे गौर से हम। nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट का जो है रेडियस, आपको याद होगा इसका वैल्यू था आपका आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर, इतना चीज ये फॉर्मूला था एंथ ऑर्बिट का रेडियस के बारे में। और एंथ ऑर्बिट का वेलोसिटी जो था, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, उसमें एन एच बाय 2 पाई एम इंटू आर एन था। जैसे आप इस आर एन का वैल्यू पुट करेंगे तो वी एन का वैल्यू, तुम्हारा यहाँ पर आर एन का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर आर एन का वैल्यू यहाँ से लाके पुट कर देंगे हम लोग, तो ये वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा और तब उस वी एन का वैल्यू हमारा हो जाएगा। गौर करके देखिए, पुट करने के बाद इस वी एन का वैल्यू चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 2H एप्सिलॉन नॉट इंटू एन। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा कब, जब आर एन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तब। अब ये वैल्यू इतना हो गया तो यहाँ से सर स्पष्ट हो रहा है वी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ऑब्जेक्टिव ये भी पूछ सकता है कि ऑर्बिट नंबर बढ़ाते जाएंगे, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसको बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी घटते जाएगा, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। अब उसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, तो थोड़ा यदि मॉडिफाई करोगे तो भी एन को आप गौर करके देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए, क्या चेंज कर दीजिए, ई स्क्वायर रहने दीजिए और अपने मन से सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे हो जाएगा 2HC एप्सिलॉन नॉट इनटू लिखिए C बाय N, यहाँ कर दीजिए। तो ये पूरा जो टर्म है ना, ये टर्म ही सॉल्व करिएगा सबका वैल्यू। E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, सबका वैल्यू पुट करने पर ये रिजल्ट आता है 1/37 इंटू सी बाय एन हो जाता है, यही वैल्यू आ जाता है।
तो आप गौर से देखिए पूछता क्या है आपको, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, ये लाइन भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा। ऑर्बिट की संख्या बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है या बढ़ता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या कह रहा है, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होगा, प्रथम कक्षा में बोल रहा है। प्रथम कक्षा तो n बराबर हो जाएगा 1, n जैसे हो गया तो बी एन बाय सी एन, सी बराबर 1/37 हो गया, यही तो पूछ रहा आपका, बी एन बाय सी का रेशियो, तो आंसर हो गया बी नंबर। नोट कर लीजिए अच्छा से, तो जल्दी से आपको दो तीन चीज़ ये सिखाया। इतना गप करने का मेरा मकसद है कि मैं जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछूंगा तो सेम यही क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, अब पूछूंगा तो उसी में कुछ चेंज करके, हाँ इतने में से जितना फॉर्मूला बता दिया इसी में से कुछ घुमा फिरा के पूछ देंगे। तो आपको क्या आदत पड़ गया, एकदम सेम एक वर्ड बदलाना नहीं चाहिए परीक्षा में। आज कुछ कुछ बच्चा रोने लगा था बैठ के, सर क्वेश्चन बदल दिए हैं। भाई मेरे क्या लगता है कि बोर्ड एग्जाम में अभी जो बोल दिया आज वही सेम होगा, तो थोड़ा सा मिलता जुलता चेंज हो सकता है, और थोड़ा चेंज होगा तो बैठ के रोइएगा, तो इसका मतलब रट के कभी फिजिक्स हुआ नहीं है ना होगा, रट के नहीं होगा, हाँ दिमाग के लगाने के साथ साथ रटना होगा, तब आपका फिजिक्स बेस्ट होगा। तो चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ाता हूँ मैं, क्वेश्चन कुछ चेंज करता हूँ। क्लियर, देखिए क्या कर क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और परमाणु की स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात होता है, तो इसमें आप समझने का जरूरत है इसमें से कौन टू सही होगा। देखें आप लोग को कितना परसेंट याद है, जल्दी लगाइए दिमाग, तो टेन ए ए ए ए ए ए बहुत लोग दे रहे जवाब। चलिए छत की याद दिलाते हैं, मैं आंसर भी नहीं बोलूंगा, कुछ देर बाद बोलूंगा, याद आपको आएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको सिखाया गया था वहां पर 1/8 इंटू ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन, आर एन इज द रेडियस ऑफ एंथ ऑर्बिट, और पोटेंशियल इनर्जी आपको दिखाया गया था, देखिएगा कॉपी निकाल कर, -1/4 इंटू ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन, ये बताया गया था। अब दोनों का रेशियो किसका पहले लेना है, काइनेटिक एनर्जी पहले है बाद में पोटेंशियल एनर्जी है, तो ई के काइनेटिक एनर्जी ई के बाय ई पी करोगे तो माई डियर बच्चों तो वो सब तो कट जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 1/8 बाय हो जाएगा 1/-1/4, सॉल्व करिए तो ये हमको लगता है कि -1/2 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही हुआ इसमें, तो याद रखिएगा ये दो बात आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाएंगे आप, राइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। मतलब आपको ये तो अनुपात पूछा था, ये जवाब हुआ सही, लेकिन यह भी पूछ सकता है आपको यहाँ से ई पी का मान -2 इंटू ई के, ये भी पूछ सकता था पोटेंशियल एनर्जी का मान काइनेटिक एनर्जी का कितना टाइम्स होगा, कितना गुना होगा, ये बोलेंगे। लेकिन यदि ई के कहेगा आपको तो ई के बराबर आपको जो बोलेंगे माइनस ई पी बाय 2 कहेंगे, लेकिन यहाँ पर तब मॉड लगाना पड़ेगा,
ईके का मान निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। तो ईके का रिलेशन बोलना है तो ईपी बाई टू करके मॉड लगाना होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, राइट। चलिए बहुत सुंदर बात, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। नोट कर लिया आपने? चलिए बहुत अच्छा, जल्दी से रेडी आगे बढ़े। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, विजिबल पार्ट में पड़ता है? तो आपका था लाइमन सीरीज, बामर था, पासन था, ब्रैकेट था, और एगो था ई नंबर में था, फोन्ड सीरीज था। आपको यहाँ बताया गया था ये यूवी था, यूवी रेस था, इसमें था यूवी एंड विजिबल, विजिबल था ये, इसका था आपका इंफ्रारेड। ये भी था आपका इंफ्रारेड और ये भी था आपका इंफ्रारेड। अब इसमें से देखेंगे पहला नंबर, इसका लेमडा का मान देते हैं लेमडा वन, इसका देते हैं लेमडा टू, इसका लेते हैं लेमडा थ्री, इसका बोलते हैं लेमडा फोर, इसका बोल देते हैं लेमडा फाइव। हम अलग से पूछ देते हैं आप लोग को, लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, लेमडा फोर, लेमडा फाइव, इसमें आंसर कौन होगा? ये तो आंसर हो गया आपके इस क्वेश्चन का, विजिबल लाइट का कौन है तुम्हारा, बामर सीरीज, ये आंसर हो गया। लेकिन मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चैट करके आप लोग जवाब देंगे जल्दी से। किसका इस पांचों में से किसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, जल्दी बताइए। इस पांचों में से लेमडा किसका बड़ा होता है? हम सिंबल दिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव, बताइए फाइव या वन या टू थ्री कौन किसका, जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। तो क्वेश्चन यहाँ नहीं है, मैं अलग से पूछ रहा हूँ आपसे। 11 भी हो गया, वो तो ठीक है, आपका जवाब एकदम सही भी हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ दिए आपसे, लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, लेमडा फोर, लेमडा फाइव, सबका वेवलेंथ दे दिया सिंबल। अब उसमें पूछ रहे हैं कि किसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा, बताइए जल्दी से। पाँच का जवाब सही होगा, अखिलेश कुमार का जवाब सही है, लेमडा फाइव बड़ा होगा, थ्री गलत होगा, श्वेता राज, लेमडा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, सबसे छोटा ये होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा याद कर लीजिएगा, और ये सबसे बड़ा होगा। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इस तरह से यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है बाबू, बढ़ने के क्रम में है। तो चलो याद हो गया। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, देखें गौर से। इसमें से 5000 एंगस्ट्रम किसका वेवलेंथ होगा, जल्दी बताओ। इस पांचों में से 5000 वेवलेंथ किसका हो सकता है, इसमें ए बी सी डी ई बताइए, ए बी सी डी ई, इसमें से किसका वेवलेंथ 5000 हो सकता है, ए बी सी डी बताइए जल्दी से। अमित कुमार महतो का जवाब है बी नंबर, एकदम आपका सही है। दृश्य प्रकाश आप लोग नाइन्थ क्लास है, टेंथ क्लास में भी पढ़े थे, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 7 भागों में बंटता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का था 4000 के आसपास, और सबसे बड़ा 7800 लाल वाला का था, तो 4000 और 7800 के बीच में 5000 संख्या हुआ कि नहीं हुआ, तो दृश्य प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ,
तो चलिए ये सब क्वेश्चन इसी बात में घुमा घुमा के कैसे पूछा जा सकता है, तो कॉमन सेंस मजबूत रखिएगा, ये सब क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंदर पांच तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। अब हम जरा सा घुमा के पूछ देंगे तो कहिएगा सर बाहर से पूछ दिए, ये तो दिए कहाँ थे। नहीं, ऐसा ही होता है, और ऐसा भी नहीं कि जो बोल दिए बोर्ड एग्जाम में एकदम सेम, थोड़ा बहुत बदल भी सकता है, हाँ, लेकिन उससे हट के नहीं होगा, जो टॉपिक पर चर्चा हम करेंगे उसी में घुमा फिरा के आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी प्रावैज्ञानिक भाग में पड़ता है, तो अभी तुरंत बताइए, दिए आपको अभी तुरंत बता दिए जवाब, 100% सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब 100% सही किसका होता है, सबसे पहले जवाब देखते हैं। पीसफुल माइंड 12B, अभी तुरंत सिखा दिए थे जवाब 100% सही होना चाहिए। जितेंद्र यादव, अरे भाई अभी तो बताए थे यूवी जो होता है लाइमन का होता है ना, लाइमन का यूवी होता है, इसमें भी यूवी का कुछ है, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट जो है ये विजिबल के लिए है। विजिबल यदि बोलता है दृश्य प्रकाश तब बामर को हम लोग सोचेंगे। इसका वेवलेंथ है भाई 4600 के आसपास के रेंज में होता है, दृश्य प्रकाश है तो इसी रेंज में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चेंज करता हूँ मैं। जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से कौन कह रहा है कि अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है, इंफ्रारेड के अंदर नहीं आता है, नॉट फॉल इन द इंफ्रारेड, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो लाइमन नहीं होगा, लाइमन नहीं होगा, उसमें से यूवी था। चलिए क्वेश्चन आ गया आपको। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। चलिए अभी तुरंत फॉर्मूला दिखाए थे आपको एनर्जी के लिए, उसी से जवाब आपको चाहिए। तो इसमें देखेंगे, आपको याद दिला देते हैं, nth ऑर्बिट का टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आपको सिखाए थे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको सिखाया गया था। तो मतलब यहां से मैं कह सकता हूं एन प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। आपका आंसर सही होगा बी नंबर। अब इसमें कहेगा हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम कहेगा, एटम में कह देगा आपको फर्स्ट ऑर्बिट में, तो हाइड्रोजन के लिए मतलब है हुआ जेड बराबर 1, फर्स्ट ऑर्बिट एन बराबर 1, यहाँ पर E1 जो हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन के लिए तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब कहेगा सेकेंड ऑर्बिट में बताओ, तो ई टू बराबर हम लोग कह देंगे तो माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर 4, ये हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन यहाँ अभी दिए क्या, ये पूछे इस तरह से, हम कह देंगे ना फर्स्ट ऑर्बिट में ऊर्जा बताइए, ये आए तो सर पूछ भी नहीं किए थे, एक्स्ट्रा पूछ दिए, कहना सेकेंड ऑर्बिट में बताइए, हाँ ये हो तो नहीं बताए थे, लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं कि जो बताने के क्रम में जो एक्सप्लेनेशन होता है उस पर जोर दीजिए, और वो मैक्सिमम बच्चा उधर ध्यान ही नहीं देता है। अब ये मन में सोच है कि एकदम एक ठो क्वेश्चन को बता दे, बस वही 20 क्वेश्चन को बता दे और उसी 20 में लिखना है भाई मेरे, दैट इज इम्पॉसिबल। लगभग हो सकता है उसके जैसा हो सकता है सेम वही 20 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बता दीजिए सर, जिसमें आइए जाए वही 20 तो आ जाए, दूसरा एक को तो फंसे नहीं एक्स्ट्रा इधर उधर से, वही ऑब्जेक्टिव 35 तो बताइए जो एकदम सेम टू सेम परीक्षा में आइए जाए। हाँ दावा तो हम कर रहे हैं कि जितना टेस्ट सीरीज में पूछ रहे उसे बाहर नहीं आएगा, तो टेस्ट में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ के थोड़ा सा आपके माइंड को बनाना भी चाहते हैं। तो टेस्ट सीरीज का मतलब क्या हुआ, आपको हर तरह से मजबूत करना, आपकी सोच को ऐसा बना देना कि आप कभी भी लड़खड़ाए नहीं, कोई भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, क्वेश्चन सेम टू सेम संजोग बस ना भी लड़े तो हम लड़खड़ाए नहीं, हमारा ऐसा नेचर बन जाए, हमारा सोचने का क्षमता ऐसा बन जाए कि हम अपने मन से भी कुछ सोच सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का ये मतलब होता है, और आज लंबे 20 साल का अनुभव है, मैंने इसी स्टाइल में पिछले सेशन में भी बोर्ड के एग्जाम में टॉप 7th रैंक में पोजीशन लाया गया था, इसी स्टाइल से मैंने काम करवाया था, और बच्चों ने ईमानदारी पूर्वक उसको फॉलो किया, अपना बुद्धि जरा सा भी नहीं लगाया। आप लोग को आश्चर्य होगा कि ऑफलाइन में मैं आपको पकड़ के बैठा के कहता हूँ टेस्ट दो तो भागते हो आप लोग, लेकिन आज पूरे ऑनलाइन में बच्चों ने कहा सर पूरी ऑनेस्टली मैं एग्जाम दूंगा, आप मुझे क्वेश्चन भेजो, बच्चों ने इतना प्रेरणा दिया, प्रेरित किया हमको, मैंने उसको क्वेश्चन भेजा और उसने वीडियो बना के हमको दिखाया, अपने पेरेंट को बैठाया वहां पर लाठी लेके, पेरेंट से बात करवाया कि सर आप अपने अपना गार्ड जो है मेरे पापा को बनाइए और हम पापा के सामने बैठ के टेस्ट लिखूंगा और उसके सामने वीडियो बना के फोटो लेके आपको पीडीएफ बना के भेजूंगा आंसर का, और विश्वास होगा आपको 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही हुआ उसका, जस्ट आपका एग्जाम शुरू हुआ उसको भी मैंने क्वेश्चन भेजा और परफेक्ट 2 घंटा में 100% जवाब सही देके भेजा, तो वो कौन स्टूडेंट है, और आप सामने रोज नजर मिलाते हो, सामने रोज आते हो और उसके बाद भी नखरा पड़ते हो, तो आश्चर्य है, सोच पर डिपेंड करता है, तो वो क्यों नहीं टॉप 7 में आएगा, टॉप 10 में क्यों नहीं आएगा, वो बच्चा आएगा तो आएगा, चैलेंज है, आपके अंदर भी वो भूख होनी चाहिए, ईमानदारी दिखाने की होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऑफलाइन में टेस्ट दे रहे हैं तो देखते हैं कि मोबाइल से देख देख के लिख रहे हैं, हेरे भाई हमको क्या फायदा तुमको, क्यों मोबाइल से देख के लिख रहे हो, क्या मिल जाएगा आपको, कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा आपको माइंड को मैच्योर करना है, माइंड को उतना मजबूत बनाना है कि किसी भी परिस्थिति में मैं क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, यही है टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस। तो चलिए आइए, आपने अनुभव किया होगा, समझा होगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं क्या मेरे मीनिंग है, तो उसको समझिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि हम टीचर का ही काम है ये करना, बच्चों के अंदर ढेर सारी बुराइयां हैं, ढेर सारे आलस्य हैं, तो अच्छे टीचर का काम है कि उसको प्यार से दुलार से मोटिवेट करके उन बच्चों को पढ़वा लिया जाए और उनसे अच्छा एग्जाम दिलवा दिया जाए, उसका अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छा करियर बन जाए, हम टीचर का यही काम है, और उसी क्रम में मैं आपको ये स्पीच दे रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ।
रात में डूब गया, रात तक बैठ के आपका क्वेश्चन तैयार करवाया, अकेले नहीं तीन तीन आदमी लगा हुआ था, बोलते जा रहे थे, टाइप करते जा रहा था, सोचते जा रहा था, फिर प्रिंट कर देखता था, फिर चेक करता था। तो खूब मेहनत कर रहे हैं, घर में लोग परेशान है, इतना रात तक क्या करते हैं, आपके लिए, इसके लिए आपके लिए समझने का जरूरत है। मैं आपके लिए परेशान हूं क्यों, मुझे नाम और पहचान कमाना है, मेरी मैं अपने मुझे नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो मेरा काम है टीचिंग, और अच्छी क्वालिटी का टीचिंग मिलेगा तभी मेरी नाम पहचान होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हैं उसको फास्टली कर लेते हैं जल्दी से। हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना होती है, राइट? तो दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने अभी तुरंत, अभी वहां पर समरी बताया, आंसर हो गया, जल्दी बताइए आंसर, सबसे पहले किसका आंसर, सबसे पहले किसका, अभी तुरंत बताए हैं, सबका सही जवाब आना चाहिए। श्वेता राज, अभी तुरंत बताए थे, अभी तुरंत बताए थे, वीडियो को बैक करके देख लो, कहाँ फंस गए, तब अभी कह रहे हैं कौर से सुनिए, सुनते नहीं आप लोग, आधा सुनते हैं, इतना थ्योरी एक्सप्लेन करके बताया अभी तुरंत, तब क्वेश्चन आया आपके सामने, तुरंत जवाब सही होना चाहिए। अमित कुमार महतो 15D, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो जवाब देना प्लस में बंधु, हमारे कोई बच्चे डी लिखे आंसर, तो डी जो आंसर लिखे हैं उनके अंदर लगता है सोच यही हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा जवाब प्लस में दीजिएगा, राइट? क्योंकि ध्यान दीजिएगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी अभी तुरंत बताया आपको माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी जब कहेगा तो टोटल एनर्जी का मॉड लगाना है, तो काइनेटिक एनर्जी कहता तो जवाब सही होता डी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी बोला है, टोटल एनर्जी मतलब हुआ इसका मतलब, तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा ई माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अपना जवाब दीजिए जल्दी से, तो एकदम आप ऑब्जेक्टिव टाइप का, एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, सिंपल ऑब्जेक्टिव। परमाणु के भीतर धनावेशित सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं, 16 नंबर का सबसे पहला आंसर किसका आया जी, देखे हाँ सर नाभिक, वेरी गुड, चलो इसमें कुछ दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें समय नहीं लगाना है, 3 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, जल्दी से तैयार करिए। किरण ऊर्जा के क्वांटम को डैश कहा जाता है, चलिए बोलिए, किरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है, इसमें आंसर कर दीजिए, कोई नहीं, क्वांटम फोटोन, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुआ है, यदि फोटोन यहाँ लिखा था तो सही जवाब इसको देते, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, मिसप्रिंटिंग हो गया है,
हमारा जवाब हो जाएगा कोई नहीं, इस तरह से बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की सफल व्याख्या की, किसने इसका व्याख्या किया जल्दी बताइए। एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, रदरफोर्ड ने किया, बोर ने किया, मिलिकन ने किया, कोई नहीं, जल्दी बताइए दो। क्वेश्चन नंबर 18 का आरिफ खान, 18 का ए सबसे पहले जवाब आया है आरिफ खान का, 18 का ए, लेकिन लगता है गलत हो गया आरिफ भाई, आपका गलत हो रहा है लगता है। सफल व्याख्या मतलब रदरफोर्ड में तो बहुत बड़ा बड़ा डिमेरिट रह गया था, तो उनके अनुसार तो लिया था कि एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाता, इलेक्ट्रॉन घूमते 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 नाभिक के भाग गिर जाता, तो उसको बचाया किसने, बोर साहब ने, सफल व्याख्या किया है। फिर बाद में बोर में भी कुछ कुछ डिमेरिट आया है, लेकिन फिर भी हद तक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का पूर्णांक गुणज होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टेस, खाली जगह भरिए, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैस, चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए, सही बताइए, एबीसी जल्दी बताइए। 19 नंबर का श्वेता राज ने कहा बी नंबर, सूरज पाठक, प्रजापति सुजीत, मनीषा कुमारी, अमित कुमार, रॉक स्टार युवराज, आरिफ खान, अखिलेश कुमार, आशीष रंजन, सुमन कुमारी, आशु कश्यप, नीतीश शर्मा, सुजीत, मनीष कुमार, आप लोग का सही है और आपका सी नंबर है। चलिए आप बच्चों का एकदम सही जवाब आया है, कंप्लीट सही जवाब है, चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि आपने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में आपने पढ़ा था एल इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन इंटू एच बाय टू पाई, याद करिए। बोर साहब का क्वांटाइजेशन कंडीशन इसी को कहा गया था, और पूछने का चांस रहेगा, मैक्सिमम चांस है पूछने का, पूछ भी सकता है आपको यहां से, इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, आंसर होगा सी नंबर। अंत वाला तो सब भला, जल्दी जवाब दीजिए इसका, परफेक्ट जवाब। लास्ट क्वेश्चन है, जब एक इलेक्ट्रॉन का किसी ऊंची स्थायी कक्षा से नीचे स्थायी कक्षा में संक्रमण होता है तो ऊर्जा का डैश होता है, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, लो एनर्जी लेवल की ओर जाएगा, तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि इमिट करेगा, अवशोषण होगा, उत्सर्जन होगा, अनेकरण होगा, कोई नहीं होगा, तो आपका जवाब सही होना चाहिए, उत्सर्जन होगा, क्या होगा, नंबर बी सही जवाब होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और है जी, चलिए अंत भला तो सब भला, इसमें अंत हो रहा है भाई,
और ये क्वेश्चन लिख लीजिए, गारंटी आएगा बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% ऑब्जेक्टिव एक नंबर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और गलती भरदम लोग करेगा इस दुनिया में। जवाब दीजिए जल्दी से, देखें 21 में सही कौन सा होता है। 21 का बहुत सारे हमारे बच्चे ने सी जवाब दे रहा है। रिडबर्ग कांस्टेंट, जहां पर से जिस इक्वेशन से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का व्याख्या हुआ है, वहां पर आपको कहा गया था वेव नंबर, याद कीजिए, ताजा ताजा पढ़ाए हैं एकदम जल्दी से, वेव नंबर न्यू बार बराबर 1/λ आर इंटू 1/nF फाइनल बाय स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। तो वहां पर याद कीजिए आपको लिखा था nF के जगह पर लिखा था मैंने फॉर्मूला में n2 और ni के जगह आपने फॉर्मूला में लिखा था n1। लो एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट, हाई एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट, इनिशियल फाइनल, लो हुआ इनिशियल, एफ हुआ फाइनल, हाई वाला। तो इसमें से आर को कहा था रिडबर्ग कांस्टेंट और इस रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आपका था 1.097 × 10⁷ पर मीटर। याद आया? तो सही आंसर बी नंबर, सही आंसर बी नंबर होना चाहिए। चलिए, कितने लोगों का एहसास हुआ कि जानते जानते गलती हो गया? तो चलिए आप जल्दी से हमको 10 सेकंड में जवाब दीजिए, क्या आप लोगों ने क्लास को पूरा मजा किया, एंजॉय लिया? जल्दी जैसे बताइए, लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिला, कुछ बातों का रिवीजन हुआ? जल्दी यस करके बताइए और लाइक करने मत भूलिए आप लोग, हम लोग बेईमानी कर देते हैं। हो गया कंप्लीट? तो चलिए प्यारे बच्चों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर मोटिवेट कीजिए, जो भागता है टेस्ट से रिवीजन क्लास, मैंने बोला ना उस लायक मैं आपको 9 जनवरी तक बना दूंगा कि आपको थोड़ा भी माथे पर चिंता नहीं होने देंगे। 9 जनवरी के बाद कहूंगा मैं फुल एंजॉय करिए, बस जो दे दिया बार बार रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, उसी को रिवीजन कीजिए, लेकिन 9 जनवरी तक में आपको पसीना चुलाना पड़ेगा। इतनी कब कभी ठंडी में पसीना आएगा तभी 9 जनवरी के बाद एंजॉय होगा, अधिक कब कभी लगते रहा तब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए एंजॉय कीजिए।